हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली एसएसटी की जो क्लास है वो आ ही गई और आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो प्लीज़ इस क्लास को जो है अपना सपोर्ट दिखाना, अपना प्यार दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि यस आपको और भी क्लास की ज़रूरत है। क्योंकि जब लाइक्स व्यूज़ नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है और आपकी पढ़ाई जो है हो चुकी है। तो ठीक है, तो आज की क्लास देखते हैं और हम एक एक सेट का करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका 40 नंबर का जो है, फॉर एग्जांपल एक पेपर में 60 नंबर का पूछा जाता है और ये तो ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन में तो ऐसा ही होता था कि आपको कई दिनों तक पेपर चलता था, उसकी वजह से आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं कि अगर आपने उसको ही अच्छे से कर लिया ना, तो यकीन मानिए जो अभी रिसेंटली हुआ है आपका बहुत अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, 60-60 क्वेश्चन का जो है सेट लगाएंगे, जिसमें से 40 तो आपका पूरा कंटेंट होगा और 20 नंबर की पैडागॉजी। ठीक है, तो आप मुझे बताना। बाकी ये एक एक सेट है, अब अंत में जाते जाते 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं वो लास्ट में पता चलेगा। क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि हम इसको रिविजन करेंगे। और एक चीज़ और है, एक एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय भी नहीं देंगे कि आपका बहुत ज़्यादा समय जाए, क्योंकि अगर आप क्लास देख रहे हो 2 घंटे, तो हम ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना स्कोर बना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए, ये जो भी आपके आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस आंसर पर मत जाना, क्योंकि ये तो बच्चे जो अपना लगाते हैं वही है, ये गलत ही होता है और किसी कोई कोई सही हो जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा ना, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स सीटेट ने पूछा है। ठीक है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया है। तो निम्न में से कौन सा समुच्चय तीन मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? एक चीज याद रखो, जब भी संगम कविता पूछे और तमिल शब्द तीन मुखियों की बात करें ना, तो हमेशा वो नाम याद होना चाहिए आपको, चोल चेर पांड्या। ये बहुत बार पूछा है, चोल चेर पांड्या, तीन मुखिया। ठीक है, चलो यहां पर देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का जो संकलन किया गया है, या फिर प्रायः ये विचार अमूर्त जो है वार्तालाप को दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर यही है, आप सभी जानते हो उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आपको रिविजन करना और साथ साथ में देखना है कि आप मेरे से पहले आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। ये जो हम 93 नंबर का देख रहे हैं ना, इसमें आपसे पूछा जाएगा ना कि दिल्ली सल्तनत जो राज था उसका सही वंशानुक्रम का चयन करो। तो ये तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, आपको इसको रट लेना है और इसको ऐसे याद रखो, टी यहां से करते हैं, टी के टी एस एल, टी से हो जाएगा तुर्क, के से हो जाएगा खिलजी, एंड टी से तुगलक, टी के टी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो टी के टी एस, टी से तुगलक, एस से सैयद, एंड एल से लोधी। ये इसलिए ना क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राइट। तो आप इसको न्यूमोनिक्स बना के याद रखो, टी के टी, ठीक है, टी के टी से, टी से हो गया तुर्की, के से हो जाएगा आपका खलजी, एंड टी से हो जाएगा आपका तुगलक, एस से हो जाएगा आपका सैयद, और लास्ट में लोधी। तो ये है सही क्रम, ठीक है, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। चलिए पहला हमारा सही हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 94, यहां पर आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे मिलान करने वाले, ये देख रहे होंगे आप। तो ये तो आसान भी है, अगर आपको एक दो भी पता होगा आप आराम से कर लोगे। आपको पता ही है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, यक्षगणम आपका कौन सा होगा, और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बाकी आपका बच गया ये यक्षगणम कर्नाटक, तो इससे आराम से निकल जाएगा आपका आंसर। तो देखिए पहले का बी है, पहले का बी है, कहाँ पर है बी, तो तीनों में ही एक ऑप्शन, दूसरे तीसरे में, तो ये पहले का बी हो गया। दूसरे का आपका सी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। देखो पहले का बी बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का आपका क्या है, यक्षगणम कर्नाटक, मणिपुर तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। तो आपको इसको याद रखना है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली क से आप याद रख सकते हो केरल, यक्षगणम कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, 2-3 भी याद रहेंगे आप आराम से कर लेंगे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर दूसरा।
चलिए अब 95, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है इसलिए रखा गया यहाँ पे। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो सही नहीं है, नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ये संत सभी जातियों के थे और इसमें अस्पृश्य समझे जाने वाले जातियों के लोग भी शामिल थे, बात एकदम सही है। और वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, यस। वे शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये भी बात सही है। हमसे तो गलत पूछ रहा है ना, तो वे संगीत का विरोध करते थे, ये बात गलत है, वे संगीत का विरोध नहीं करते थे। और गलत वाला पूछा है तो जो गलत है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 96, देखो 96 में आपको बेसिकली बताना है कि सही विकल्प इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का काल क्रमानुसार बताना है, उनके पतन का जो है ना क्रोनोलॉजी ऑर्डर में वैसे आपको लगाना है, ठीक है। तो प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले होगा हमारा सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, सी हमारा पहले होगा। एक भी आपको पता है तुरंत आंसर आपका बाहर, एलिमिनेट करना है ऐसे ही, तो तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका प्रशासन वाला आ जाएगा, देन आपका नादिर शाह और अहमद शाह, और लास्ट में आ जाएगा ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। जैसे कि इंग्लिश में भी आप देख सकते हो आपको एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर बताना था, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 97 पे आते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये और काफी लंबे चौड़े हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए 97 इसमें आपको बताना है ना सही, दोनों में से कौन सी बात सही लिखी है। तो ये तो सभी को पता है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी, बात एकदम सही लिखा है। बट दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली, अनुमति मिल चुकी थी, इसने नहीं लगाकर गलत कर दिया। तो केवल पहला सही है, बी हमारा गलत हो जाता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलो 98, और आप देख सकते हो लंबे चौड़े क्वेश्चन है, तो 98 का देखते हैं इसका कौन सा राइट है। आपको देखो इसमें बताना है कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं या नहीं सही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखो कि अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया था। तो जी हाँ, हड़प की नीति चल रही थी डलहौजी के द्वारा, बात एकदम सही लिखा है। और सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाकों का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। जी हाँ, बात दोनों एकदम सही है, कारण भी एकदम सही लिखा है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, और ये जो है ना ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है 99, पता नहीं इसको मैं अगर एक बार बता सकूँ ना तो 20 से 30 बार पूछा है। स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा है ताराबाई शिंदे ने, इसको रट लो, हजार बार पूछा है इसको। चलिए अब 100, ये क्वेश्चन देखते हैं, 100, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है और इसका आंसर भी बहुत आसान है। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? तो वो थी रुकैया शेखावत हुसैन, ये भी आपको रट लेना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके नंबर को बढ़ाते हैं, देखिए ना कितना कम समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलिए पहला सही हो गया, अब 101, अब यहां से लेंदी क्वेश्चन, यहां पर लोग ज्यादा गलत कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है 101 में, आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें इसमें आपकी सही हैं, ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए मॉरिसस और त्रिनाथ की बात हो रही है, इसके बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था क्योंकि, अच्छा एक चीज़ और पड़ जाती ना SST में, इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, एक तो समय भी बहुत लगता है, जैसे कि अभी मुझे भी अगर मैं कितना भी चाह लूँ तो मैं बहुत जल्दी इसको ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, और यही सेम चीज़ आपके एग्ज़ाम में भी अप्लाई होता है कि बहुत समय लग जाता है पढ़ने में।
तो मॉरिशस और त्रिनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेशिक भारत में रहने वाले निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था। क्यों लाया गया था, निम्न और गरीब परिवार से क्यों लाया गया था, रीजन बताइए आप। तो देखिए, इसका रीजन बेसिकली यही था क्योंकि इस अवसर ने लोगों की दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की थी। एंड एक इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कि वे समुद्री यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। यही बातें हैं जिसकी वजह से निम्न जातियों से और गरीब परिवारों से लाया गया था। तो ए एंड डी सही है। बाकी ये नहीं था कि आप सामाजिक जीवन को सुधारें और उसमें गतिशीलता अर्जित करने में सहायता मिले या फिर उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त कद काठी और कौशल था, ऐसा कुछ नहीं है। रीजन केवल हमारा ए एंड डी है, ठीक है। चलो 102, इसमें से भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, स्वदेशी आंदोलन तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न हुआ एवं निम्न विचारों को प्रोत्साहित किया, किसको किया था आप बताइए। इसका देखो राइट आंसर, इसका राइट आंसर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा आपने पढ़ा होगा, 6 राष्ट्रीय शिक्षा, काशी विद्यापीठ हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया, ये स्थापित भी किया गया था उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के बाद, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा है ही और भारतीय भाषा का उपयोग, बट स्वदेशी व्यापारिक संगठन, स्वदेशी पुलिस, इसकी कोई बात नहीं की गई है। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बीपीएससी जीएस की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका आराम से ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा इसमें सही होता है। चलो 103, ये भी देखो इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत हैं, व्याख्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। जी हाँ, यहीं पर इनके बीच में समझौता हुआ था जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। दोनों पार्टियों ने फैसला किया था कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे। ये भी बात एकदम सही है, दोनों बातें एकदम सही है, ए एंड बी, क्योंकि 1916 को ही हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना चाहते थे। तो बातें एकदम सही है, व्याख्या भी एकदम सही है, तो चौथा हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 104, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपको बताना है, तो इंडोनेशिया था, मिस्र था, घाना था, इंग्लैंड नहीं था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन थे, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। चलिए और अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 104 ये क्वेश्चन नंबर है। तो 104 का आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। 104 का राइट आंसर है पहला, ए बी सी। तो जब भी आपसे कोई भी पूछे या फिर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन थे, तो इंडोनेशिया IMG, OMG से याद रख लो, IMG, इंडोनेशिया, मिस्र और जी से घाना। ये इसलिए मैं बता रही हूँ ना क्योंकि आपको कभी कभी एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो IMG से आप याद रख सकते हो, OMG से IMG बना लो, इंडोनेशिया, मिस्र एंड घाना। चलो अब 105, अब 105 में आपको मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा सही है, सही वाला आपको देखना है 105 में। और नीचे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब ये आमने सामने लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, ये तो सभी को रटा होना चाहिए। शुक्र बौना ग्रह नहीं है, ना ही बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह वाला है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, शनि के पास, ठीक है। तो ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गई। मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और पृथ्वी आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है, दोनों बातें एकदम सही है। तो नीचे ऑप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही चल गया हमारा पहला चौथा सही है, ये वाला, ठीक है। 106, यहां पर देखिए लिखा है कि विषुवत वृत्त निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो आपको भी पता है कि ब्राजील से होकर गुजरती है, जो विषुवत वृत्त है ना वो ब्राजील देश से होकर गुजरती है। सो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलो अब 107 देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अक्षांशों के बारे में आपको विचार करना है, ठीक है, कि कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है। देखो अक्षांशों के बारे में, तो एक होता है, ये आपकी अक्षांश रेखा होती है और ये आपकी देशांतर होती है। अक्षांश मतलब जो एकदम लेटी हुई है, और देशांतर इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अक्षांश की बात हो रही है, जैसे कि ये अक्षांश रेखा वह है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये ग्लोब है और इसको विभाजित कौन करता है, तो
तो अक्षांश ही तो कर रहा है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख लिए, बात एकदम सही है। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी नहीं, बात एकदम गलत है। अगर स्थानीय समय के निर्धारण की बात करें तो वो अक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है, देशांतर की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बस ए सही है, बी एकदम गलत है। चलो अब 108, ये तो आप सभी को कर लेना चाहिए, बहुत आसान है। कि यदि, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय 120 पूर्वी देशांतर पर क्या स्थानीय समय होगा आपको, तो इसका क्या होगा, तो 8, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये आसान है, 5.5 घंटा आगे होता है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जहां पर कम समय लगे कम समय लगाएंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताना है कि प्राकृतिक, देखो नीचे दिए गए प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र को दर्शाते टेबल पर विचार करें और सही मिलान का चयन करें, ठीक है। मतलब कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलो देख लेते हैं। और फिलहाल हम कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 109 पे, जल्दी से कवर करेंगे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सदाबहार वन को हम क्या बोलते हैं, हम इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इसको हम शीतोष्ण क्षेत्र में भी बोलते हैं। मतलब कौन सा ये वनस्पति कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो सदाबहार वन उष्णकटिबंध और शीतोष्ण दोनों में पाया जाता है। वैसे ही पर्णपाती वन है, ये भी जो है आपका उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र दोनों में पाया जाता है। तो दोनों की देखो आप कैसे खेला है सीटेट ने, ऑप्शन ऐसा रख दिया जिसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, आप समझ रहे हो, ऐसे आंसर आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो 110, और मिट्टी से क्वेश्चन तो आता ही है, हर बार आएगा, देखते हैं इसमें। इसमें देखिए आपको बताना है कि क्या बातें सही है, कौन सी चीजें गलत हैं, ठीक है। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जनक चट्टान और अपमृदा के बीच अवस्थित होता है। जी हाँ, जो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है ना, वो जनक चट्टान और अपमृदा के बीच में होता है। किसी क्षेत्र की जलवायिक दशा वहां के मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये बात गलत लिखा है, केवल पहला सही है हमारा, तो ए सही है बी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 111 पे। अभी भी देखिए कितना ज्यादा समय लग गया है इतने ही क्वेश्चंस करने में, अभी तो हमको जाना है 100 कितने क्वेश्चंस करने हैं, इसमें टोटल 150 तक पहुंचना है, 60 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, ये मेहनत आप सभी के लिए है। और 111 का क्या होगा, विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य जो है मानक है, तो ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, हाँ देख लीजिए, मेन क्राइटेरिया आपको बताना है जो डिवाइडिंग मेजर नेचुरल रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या होगा, तो वो होगा हमारा टेम्परेट रेनफॉल एंड वेजिटेशन, ठीक है। तो क्या चीज होगी इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य मानक क्या है जो प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में मुख्य मानक क्या है, तो तापमान है, वर्षण है, वनस्पति है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तीसरा सही हो जाएगा। और अभी रात के बज रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो 12 बजने ही जा रहा है, और रात में इसलिए सूट कर रही हूँ ताकि आपको 12 बजे जो है अच्छे से सही समय पर क्लास में दे सकूँ, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 112। हाँ देखिए इसमें, देखिए इसका राइट आंसर बताना है कि वायुमंडल की परत की पहचान करो, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। जब भी आयन मंडल आए ना, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए, अरे तो बाह्य मंडल का हिस्सा है, बस आपका आंसर बाहर, क्योंकि बाह्य मंडल में ही जो है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। किसका भाग है, बाह्य मंडल का भाग है आयन मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए 112 हो गया हमारा बाह्य मंडल, अब हम 113 देखते हैं, उच्च दाब किससे संबंधित है, बताइए उच्च दाब किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से, ठीक है।
उच्च दाब संबंधित है स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से, तो तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए 114 क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? अब जिसको मैप याद होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, तो वो है कर्नाटक और केरल। अगर मैं आपको इंडिया का मैप यहां पर थोड़ा सा बनाकर दिखाना चाहूं, ऐसे अभी पेन से बना रही इसलिए अच्छे से उतना नहीं बन पाएगा। हाँ देखिए, तो आपको पता है कि केरल कहां पर है, ये हिस्सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए। अब इसको मैं फास्ट कराऊं तो नहीं हो सकता है ना, यहां पर आपका केरल है और आप जानते हैं यहां पर आपका गुजरात है और यहां पर आपका महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक यहीं पर है आपका। ठीक है, तो ये आप बताइए अरब सागर किस साइड में है और बंगाल की खाड़ी किस साइड में है। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है और इधर हमारा अरब सागर है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर आपका उड़ीसा आ जाता है और यहां पर उड़ीसा आ जाता है और यहां पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है जो कि हमारा बंगाल की खाड़ी के साइड में है, क्योंकि इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये हो नहीं सकता है। तमिलनाडु भी नहीं हो सकता है क्योंकि तमिलनाडु तो आपका इधर आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। केरल और तमिलनाडु की वजह से ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा अरब सागर तो इसी साइड में है ना, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो अरब सागर तो हमारा इधर ही है और इस साइड में जो भी होंगे वो अरब सागर में होंगे। तो इस साइड में क्या है, यहां पर आपका कर्नाटक हो गया, यहां पर आपका केरल हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो ये मैप आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, चलो 115, आपको इन कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है 115 में। तो देखिए, सबसे पहले बंजर भूमि की तुलना में वन भूमिगत जल को पुनः प्राप्ति करते हैं। जो वन है, जी हाँ, बंजर भूमि है और एक साइड वन है, तो वो भूमिगत जल को कौन प्राप्त करेगा, वन ही तो पहले प्राप्त करेगा ना, बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। बात एकदम सही लिखा है और व्याख्या भी एकदम सही है, पहला हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बाकी आंसर पे तो जाना मत क्योंकि सारे आंसर जिसने भी किया है सब गलत है। ठीक है, चलो 115 भी हो गया, अब बढ़ते हैं 116 पे। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है इसलिए इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ रहा है। देखिए 116 में पूछ रहा है कि क्या क्या बातें जो हैं ऊपर लिखी गई वो सही हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या पिरामिड जो है वो पढ़ाना चाहती है। जनसंख्या पिरामिड की बेहतर समझ बनाने हेतु उन्हें निम्न में से कौन से उप संप्रतियों पर चर्चा करने की जरूरत है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको जनसंख्या पढ़ाना है तो क्या क्या चीजें आप यूज करेंगे। जनसंख्या घनत्व, आयु वर्ग, युवा आश्रित लोग एवं वृद्ध आश्रित लोग एंड जन्म दर। देखिए आपको क्या समझाना है बच्चों को, जनसंख्या पिरामिड आप पढ़ाना चाहते हो तो उसकी बेहतर समझ को आपको बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो हम आयु वर्ग ले लेंगे, किस किस आयु के बच्चे हैं। मान लीजिए कि 8 से 10 आयु वर्ग में कितने हैं, 20 से 30 में कितने हैं, युवा आश्रित लोग कितने हैं, वृद्ध आश्रित कितने हैं। ठीक है, जन्म दर ये आप अच्छे से बच्चों को समझा सकते हो। ठीक है, जन्म दर कितना है, मतलब हर दिन कितने बच्चे जो हैं वो बॉर्न हो रहे हैं। जनसंख्या घनत्व से आप बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। बी सी डी दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब 117 पे चलते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा है कि बीज की फसल उगाना, ठीक है, बीज की फसल उगाना एक महत्वपूर्ण कृषिगत मृदा गतिविधि मानी जाती है, क्योंकि मतलब बीज में जो फसल लगाते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वर्षा दोहन से, मान लीजिए अगर किनारे पे आप लगाते हो, बारिश आती है, आधी मिट्टी वो बहा के अपने साथ लेके चला जाता है, फसलों को नुकसान हो जाता है, तो वर्षा दोहन से हम सुरक्षित रखते हैं। इसमें कोई आय दुगनी नहीं हो रही है, ना ही उनको बहुत कमाने का मौका मिल रहा है, खेती बहुत बढ़ रही है, जी नहीं, वर्षा दोहन से सुरक्षित रखता है, बस इतना ही मतलब है बीज की फसल उगाने से। तीसरा सही है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि यस मेहनत जो है आप सभी के लिए हो रही है। तो अब 118 क्वेश्चन नंबर भी बताते जाऊंगी मैं आपको कितने हो चुके हैं। यहां पर देखिए 118 में क्या पूछ रहा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में, बस इसमें थोड़ी सी चीज आपको पकड़नी है आप समझ जाएंगे। किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होती है? आप सोचिए, केरल है। एग्जाम में आ जाएगा तो आधे से लोग तो यही सोचने लगेंगे कि ये कौन सी मछली है,
ठीक है, चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, ये विशिष्ट जाल है, ये कोई मछली नहीं है। तो चीना वाला कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम करते हैं केरल में। याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इस लॉ से जोड़ लो बट भूलो मत, क्योंकि पूछेगा जरूर। ठीक है, तो चलो दूसरा हो गया। अब 119, बीच बीच में आपको पैडागॉजी के भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, तो 119 का देखते हैं, ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति एक प्रकार से सामाजिक पूर्वाग्रह को चुनौती देती है, मतलब जो हमारी रूढ़िवादी सोच है ना उसको चैलेंज कौन कर रहा है। पहला देख लेते हैं कि वह अशक्त लड़का जिसने अपने विद्यालय की चित्र प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, वह अपनी व्हील चेयर पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आता है, ये इसको चुनौती दे रहा है या नहीं। नहीं तो बहुत से लोग जो व्हील चेयर पर चलते हैं उनको लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे ये पता नहीं क्या कर लेगा, बट वो लड़का उसी से गया है मंच पर अवार्ड लेने, उसने किसी की हेल्प नहीं ली है। बात एकदम सही है। किसी कक्षा में बच्चे अपने भोजन ऐसे सहपाठी के साथ साझा करने से बचते हैं क्योंकि वह एक कच्ची बस्ती में रहता है, ये चैलेंज थोड़ी ना, ये तो बढ़ावा दे रहा है, खत्म हो गया यहीं पे। प्राथमिक विद्यालय में लड़के लड़कियों को केवल केवल जहां पर भी वर्ड आएगा ना वो वर्ड कभी सही हो ही नहीं सकता है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसको काट दो बच्चे। अब क्योंकि हम सेंस देखना, क्योंकि हम पॉजिटिव सेंस देख रहे हैं और केवल तो नेगेटिव होता है, मैच कहाँ हो रहा है। बच्चे अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं तो कहाँ से वो उसको, ये तो रूढ़िवादी हो गई ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। चैलेंज तो केवल पहला ही कर रहा है कि वो व्हील चेयर, जो असत लड़का है फिर भी देखिए अवार्ड लेने के लिए व्हील चेयर से जा रहा है, पहला सही है। चलिए अब 120, ये वाला मैंने कई बार बताया है कि इतनी बार पूछा हुआ है ना 120, फिर भी लोग गलत करके आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि किसी गांव में भूमि को नापने, लेखा जोखा रखने, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। पटवारी, पटवारी का एग्जाम भी तो निकलता है, जो पटवारी बनते हैं उनका काम क्या होता है, आज से याद रखो, पटवारी का एग्जाम दोगे तो क्या करोगे, भूमि को नापोगे, लेखा जोखा रखोगे, उसका रिकॉर्ड रखोगे, बस दूसरा सही हो जाता है। और अभी हमारा है 121, ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में सही नहीं है। गलत पे ध्यान देना है आपको, गलत पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जानबूझ के सीटेट रखेगा कि आप गलती करें, सही नहीं है। पहला क्या लिखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली है, तो जी हाँ एकदम सही है। इनकी सेवाएं शहर और ग्रामीण दोनों में होती है, एकदम सही है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। यस, जो भी हम कमा रहे हैं, हम पैसा देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसी से आपको सुविधा मिलती है, बात तो एकदम सिंपल है। इलाज केवल, ये केवल वर्ड ने इसको खत्म कर दिया, केवल वर्ड आपके लिए खतरा है, खत्म। तो यही नहीं पूछा था और नहीं वाला हमारा आंसर हो जाएगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 122, आपको सही क्रम पहचानना है जिसमें बाजार कार्य करते हैं। तो 122 में पूछ रहा है कि सही क्रम बताओ कि बाजार कैसे काम करता है। उत्पादक होगा, उसको व्यापारी ले जाएगा, और उपभोक्ता, उपभोक्ता हम लोग हैं। मान लीजिए मैंने कोई चीज प्रोड्यूस किया, कुछ भी, कोई नया चीज, तो व्यापारी आएगा मेरे से खरीदने के लिए, फिर वो कंज्यूम करेगा, मतलब आप सभी, मतलब जो उपभोक्ता है उनको देगा। ऐसे ही तो बाजार चल रहा है ना, कोई चीज मार्केट में आई है, वो कहाँ से आई है, उसका उत्पादन हुआ है, उसको गए दुकानदार खरीद के लेकर आए और हम जाकर दुकानदार से खरीद लेते हैं, बात पहले में ही है, यही इसका क्रम होता है, पहला सही हो जाता है। चलिए अब 123, देखिए कथन एक और कथन दो है, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि कई बार पूछा हुआ है ये। इसमें क्या पूछ रहा है ना कि आप बताओ कि जो बुनकर होते हैं सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में, उस पर विचार करो और इसमें सही चीज बताओ। बुनकर के बारे में ध्यान रखना है, सबसे पहले तो बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। जी नहीं, अधिक आय कर अर्जित करने के लिए जो सहकारी संस्था है वो व्यापारियों पर निर्भरता नहीं बढ़ा रहे हैं, वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं, पहला तो खत्म हो जाएगा। एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर परस्पर, देखिए सिंपल सी बात है, जो बुनकर सहकारी संस्था है ना वो यूनिटी में मिलकर जो है परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, ना कि डिपेंड होते हैं, तो ये खत्म, दूसरा सही है। चलिए 124, पॉलिटी के क्वेश्चंस। अब एसएसटी है तो भैया सब कुछ आएगा इसमें। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है
कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखो लोकतंत्र क्या है, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है कि नहीं, बात एकदम सही लिखा है। ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, यस सभी को नहीं बट कुछ लोगों को मताधिकार, कुछ लोग को वोट देने का अधिकार था। प्रथम आम चुनाव में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया, यस। सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता है, जी नहीं, जो गवर्नमेंट निर्णय लेता है क्या आप उसमें डायरेक्टली आप हस्तक्षेप कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। उनके प्रतिनिधि जो होते हैं आप उनको जो है जो खड़े होते हैं आप उनको अपना वोट देते हो, डायरेक्ट थोड़ी ना आप जाके मान लीजिए मोदी ही हैं आप उनको डायरेक्ट जो है थोड़ी ना जिता रहे हो, अलग अलग जगह से लोग उठते हैं चुनाव में आप उनको वोट देते हैं तो आप प्रत्यक्ष तो भाग ले ही नहीं रहे हो, ये तो बात एकदम गलत है। तो 4 ऑप्शन गलत हो गया और हमसे नहीं वाला पूछा है। अब रही यहाँ पे 125, देखिए पैडागोजी का क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि उनका उस विषयों के प्रति रुझान है बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉय है तो वो मैथ लेगा और एक गर्ल है तो वो बायो लेगी, ये क्या है, ये रूढ़िवादी सोच है बस, दूसरा इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। 126, अच्छा अगर ना दिखे तो प्लीज़ 240/360 कर लीजिएगा बिकॉज इसका प्रिंट ही इतना छोटा है, मैं क्या करूँ, ज़्यादा अगर मैं जूम करूँगी तो बाहर निकल जाएगा, आप देख सकते हो। तो 126 में क्या पूछ रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है का अर्थ यह है कि नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं उनके विचार और जैसे ही वे अपने विचारों को कार्य में बदलना चाहते हैं पर कोई व्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है, तो वो है हमारी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का ही तो अर्थ है ना कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमको अपने विचार रखने का हक है, आप उसको जो है दबाव बनाकर ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं बोल सकते हो, तुम विचार नहीं रख सकते हो, ठीक है, तो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता ही हमको ये अधिकार देता है। तो तीसरा सही हो जाएगा, मिलान वाले क्वेश्चन है और जो कि आपको नीचे से भी देखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितने में पहुंचे हैं, 127, अभी बहुत दूर जाना है, 150 तक है अभी तो पूरा सेट। इसमें देखिए यही है कि मैं कोई क्वेश्चन मैंने मिस तो नहीं किया है, नहीं, चलो 127, दो कॉलम दिए गए हैं और दोनों कॉलम में आप देखिए मिलान कीजिए कमेंट करिए। सबसे पहले मेरे आंसर से बताने से पहले ही आपको आंसर बताना है। देखो सबसे पहले देखो संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है कि लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, तो ए का हो गया। दूसरा एलिमिनेट करो, पहला खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म, आंसर तो अपने आप आ गया, कितना आसान है बताओ, ए का दूसरा है। बी का क्या होगा, गणतंत्र, देखो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब बहुत आसान है कि राज्य का एक मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति है, तो बी का हो गया तीसरा। सी का हो जाएगा हमारा चौथा, ये तो आसान है, बंधुत्व का मतलब ही होता है कि हम सभी को भाई बहन की तरह आपस में रहना चाहिए, किसी भी धर्म के हों, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। डी का हो गया पहला धर्मनिरपेक्ष, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यस, जो भी करंट में आपके यहाँ पे जो भी जिसकी भी सरकार है वो ना तो वो उनका कोई धर्म नहीं है, ये नहीं कि वो किसी धर्म को बढ़ा दे, उनके लिए सभी धर्म जो है बराबर हैं, तो ये तो आसान था। तीसरा शब्द से भी आप आराम से निकाल सकते हो 128, और इस एक ऑप्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। चलिए 128 में बताइए क्या क्या बातें सही हैं, भारत में फौजदारी कानून से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही लिखी गई हैं, ये आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं, सबसे पहले भारत में फौजदारी कानून से संबंधित मतलब क्या क्या संबंध है इससे, ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है, यस बात एकदम सही लिखा है, अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना, जी हाँ, यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है, देखो ये केवल की वजह से ये गलत हो गया, केवल प्रभावित पक्ष नहीं दोनों पक्ष कर सकते हैं, तो डी खत्म हो गया, आपका ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। और मैं आपको समय बताना चाहूंगी, 12 बज चुका है, ठीक है, चलो 129, और इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। अब बताइए 129 में आपको कौन सा लग रहा है सही होगा,
भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई, निम्न में से क्या एक रणनीति नहीं है? मतलब भेदभाव जो था, डिस्क्रिमिनेशन था समाज में, उसके विरुद्ध हम लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए जो महिलाओं ने आंदोलन किया, तो उनकी कुछ स्ट्रैटेजी थी ना, उसमें क्या था, एक तो अभियान था, एक जुटता था और विरोध करो, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करो, बट बहिष्कृत करना नहीं था, बहिष्कार करना नहीं था। हमसे नहीं वाला पूछा है तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए फाइनली हम 130 पे आ गए, अभी भी हमको 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए 130 कितने लंबे चौड़े क्वेश्चन ये लोग पूछे हैं सीटेट में, आप देखिए यहां पर, देखिए 130 में क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना सभी को पता है, इसके अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। 40 लाख बच्चे जो हैं, 5 से 14 मतलब इतनी कम उम्र के बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, वो भी 40 लाख बच्चे, इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसायों में से भी हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, क्या ये बात सही है? तो एकदम गलत है, ठीक है। कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है में काम करने की अनुमति है, जी नहीं। अगर आपने पढ़ा हो तो इवन अगर कहीं पे ऐसा दिख जाता है कि कोई बच्चों से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं खतरनाक जगह पे, तो तुरंत उनको उन पे कार्रवाई होती है, ये बात भी एकदम गलत है। कानून बना है तभी तो दोनों बातें तो एकदम गलत हो गई। कानून बना देना ही काफी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। यस, देखो कानून तो बहुत है, लागू कितना हो रहा है आप बताइए। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा सही है, ठीक है। चलो 130 तक हो गया, अब फाइनली हम 131 पे आते हैं, ये रहा। देखिए इसमें लिखा है कि भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने एवं चुनौती देने का प्रयास करती है, क्या चीज? तो वो है आलोचनात्मक भूगोल। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भूगोल जो है वो चुनौती देने का प्रयास कर रही है किसको, तो वो भूगोल की धारा हो गई, धारा स्थान, समय के परे समाज, तो वो है आलोचनात्मक भूगोल, ऑप्शन नंबर 1, नाम से ही पता चल जाएगा। 132 देखिए, जहां पे जूम हो सकता है मैं कर देती हूं। इसमें देखिए पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर दिए गए दो कथनों को परखो। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकृति से व्यवहारिक है, यस, नेचर से कैसा है वो, व्यवहारिक है। पाठ्यक्रम में राज्य एवं उसके संस्थानों के विकास पर बल दिया जाता है, ऑब्वियस ही बात है, देना ही होगा, सामाजिक विज्ञान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो। दोनों बातें एकदम सही है, हमारा तीसरा सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पे 132 से 140 में से 60 में से हमने 40 कर लिए हैं, ठीक है, बाकी का 20 बचा है वो भी कर लेंगे पैडागोजी वाला, तो पैडागोजी हमारा स्टार्ट है। चलो अब 33 पे आ जाओ, ये देखो इनके क्वेश्चंस भी इतने टेढ़े मेढ़े हैं। यहां पर देखिए 33 में देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि राजनीति एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से किस माध्यम से किया जा सकता है। बहुत आसान है, वो किया जा सकता है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। देखिए सक्रिय वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, जहां पर भी सक्रिय लिखा होगा ना वो आंसर हर हाल में सही होगा। तो इसी से हम इस सामाजिक जीवन में जो भी जटिल मुद्दा है उसका अर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, सक्रिय भागीदारी करेंगे, किसका, लर्नर का, अधिगमकर्ताओं का, तीसरा सही हो जाएगा। चलो 134, और देखो मैंने कोशिश की, आप देख सकते होगे कि भाई हमारा 39 मिनट में ही हमने 40, मतलब हम एक एक क्वेश्चंस को कितने अच्छे से कर रहे हैं समझ के भी, ठीक है। तो 134 अब करते हैं, यहां से देखिए पेडागोजी में थोड़ा सा समय लग जाता है। यहां पर देखिए आपको बताना है सही विकल्प। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लेखक की आत्मकथा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में एक लघु चलचित्र दिखाता है, इसका अति प्रासंगिक कारण क्या होगा। देखो वो चलचित्र दिखा रहा है तो उसका प्रासंगिक कारण क्या होगा ये आपको बताना है। चलचित्र मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, या फिर ये लोकप्रिय दृश्य श्रव्य साधन है, या फिर कम समय में हम अधिक सूचना दे सकते हो, या फिर चलचित्र मनोरंजन और अधिगम के लिए भी अवसर प्रदान करती है,
ठीक है, आप मुझे राइट आंसर बताइए, एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश भी दिखा देती हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर, तुरंत कमेंट कर दिया करो। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कि अगर हम कोई चीज़ करा रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्यों करा रहे हैं, मनोरंजन के लिए, जी नहीं। बस एक मनोरंजन ही हमारा महत्वपूर्ण साधन नहीं है, हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। चलचित्र से हम बच्चों को कम समय में ज़्यादा कुछ सिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा और यहाँ से क्या होगा, अवसर भी मिलेगा। तो ए को छोड़ के बी सी डी, ये वाला 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 135 पैडागॉजी है तो ध्यान से करना है। अब 135 में क्या है वो देख लीजिए। निम्न में से कौन सी समावेशी कक्षा के उदाहरण है? तो समावेशी कक्षा तो सभी को पता ही है, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार आपको आप पढ़ाते हो, तो जी हाँ एकदम सही है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी को ब्रेल लिपि वाली पाठ्य पुस्तकों की सहायता से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये भी आपका समावेशी ही है। श्रवण बाधित विद्यार्थी कक्षा में सबसे आगे बैठा है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है उतने अच्छे से, आप उसको आगे बैठाए हो, तो यही तो है समावेशी कक्षा। तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 136। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप डिजिटल बोर्ड जो है ले लीजिए, तो आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा, तो हम भी बहुत जल्द जो है डिजिटल बोर्ड लेंगे और वहां पर लाइव आप सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो 136 का देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा कि कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षक के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विषय की भाषा एवं चित्र क्या है, ये आपको बताना है। तो वो बोधगम्य हो, बोधगम्य का मतलब आप समझ में आनी चाहिए ना, अगर कोई चीज तुम पढ़ा रहे हो क्लास में तो बच्चों के समझ में आना चाहिए, कोई भी संसाधन आप प्रयोग कर रहे हो। तो लैंगिक संवेदनशील हो, यस, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जो है जेंडर को ध्यान में रख के कर रहे हो, तो ये बात एकदम सही है। सामाजिक पदानुक्रम व असमानताओं के आलोचनात्मक हो, यस, जो भी असमानताएं हैं समाज में चल रही हैं उसके उसको क्रिटिसाइज करती हो, ठीक है, उसको बढ़ावा ना दे रही हो, तो तीनों बातें सही हैं। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलो ये भी हो गया हमारा 136। अब हम पहुंच गए हैं 137 पे और यहां पर आपको मिलान करना है और नीचे यहां पर दिए गए हैं। देखिए 137 है ये हमारा और इसमें आपको देखना है कि क्या चीजें सही लिखी हैं। सबसे पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करना, तो ये क्या होगा, अधिक जानकारी इकट्ठा करना हमारा मतलब किससे, छात्र से, छात्र से और जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद से आप देखो पुनः केंद्रित करना, तो पुनः केंद्रित करना का मतलब आप दोबारा से बच्चे से प्रश्न पूछिए। मान लो मैं अभी आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, फिर मैं पीछे का कोई चीज पूछूंगी, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, केंद्रित कर रही हूँ कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। तो इसका मतलब छात्र से उसी बिंदु पर और प्रश्न पूछना, ये हो गया। उसके बाद से हो गया हमारा सी, याद दिलाने का प्रयास करना। तो हम बच्चों को कई बार संकेत देते हैं कि जैसे बच्चा कुछ भूलता है तो हम आसपास के कुछ चीजें बता देते हैं। पुनः निर्देशित करना, जो बचा है वही हो जाएगा, मतलब प्रश्न को और छात्रों की तरफ निर्देशित करो। काफी आसान सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 138 देखिए, 138 में आपको ध्यान से देखना है। यहां पर देखो पूछा है ना कि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चुनाव के थीम पर प्रयोगात्मक अधिगम में संलग्न करने के लिए निम्न में से कौन सी अति प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होगी। तो देखो, अगर आप लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को के रूप में, आप जैसे कि क्लास में होता नहीं कई बार हम चुनाव के जैसे जो लोकतंत्र है वैसा ही कुछ क्लास में रख देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, एक प्रयोगात्मक अधिगम में बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी तो हमारी यही होनी चाहिए कि कक्षा प्रतिनिधि चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन करना। बहुत सारे स्कूलों में होता है प्रतिनिधि का चुनाव होता है, फिर धीरे धीरे इसे हम बहुत सारे बच्चों को चुनाव ये सारी चीज़ें समझा देते हैं, लोकतंत्र को समझा देते हैं, ठीक है। फिल्मी क्लिप जो है दिखाकर या फिर राजनीतिक रैली में भेजकर या फिर आपने बस कुछ भारतीय संविधान का पढ़ा दिया, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। एक्सपेरिमेंट कराइए, एक्सपेरिमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कक्षा में प्रतिनिधि का चुनाव रख दीजिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन सही है। 139 देखो, 139 में क्या पूछा है कि
जो अपनी यहाँ पर देखिए मिडिल स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका हाशियाकरण की थीम पढ़ाना चाहती है। हाशियाकरण आप जानते हो, मैंने कई बार बताया है, कई बार अच्छी शिक्षा अच्छी जो है बहुत सारी चीज़ें मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है तो हम एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो हम इसको पढ़ाना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सा उपशम प्रत्यय उसे अपनी चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। अब मुझे हाशियाकरण पढ़ाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें अपनी क्लास में रखूंगी। सबसे पहले मैं तो घेटोइजेशन रखूंगी। घेटोइजेशन का ही मतलब होता है हाशियाकरण, आप जिससे आप बच्चों को समझा सकें। घेटोइजेशन का संबंध है हाशियाकरण से। तुलनात्मक भी होना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ाओ तो तुलना जरूर होनी चाहिए उसमें। विस्थापन, क्या आखिर में डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, मुख्य धारा नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी पहला सही हो जाएगा। चलो 140, फाइनली 140 से पहुंच गए हैं, अभी 10 क्वेश्चन बाकी है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में शब्द संकलन प्रस्तुत होता है, मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो शब्द संकलन है वो प्रस्तुत होता है, इन तीनों में से कौन सा वो आपको बताना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दकोश के रूप में जो महत्वपूर्ण संप्रत्ययों की परिभाषाओं को याद करना, ये याद करवाने में मदद करे। पहली बात तो याद वाली चीज ही गलत है, पहला तो खत्म ही कर दो। शब्दों के प्रयोग को समझने के, यस, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझाना है। शब्दों के संदर्भ में प्रयोग करने वाले औजार के, प्रयोग करना समझाना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है जो कि मैंने बताया भी हुआ है, तो बी और सी हमारे सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर टू। चलो 140 हो गया, अब हम पहुंच गए 141 पे। ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, फिर से हाशियाकरण। हाशियाकरण सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो देखते हैं 141 में हमारा क्या सही होता है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को भारत में हाशियाकरण थीम पर साक्ष्य आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है, मतलब कि मैं चाहूंगी कि मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वो हाशियाकरण की थीम पर जो है उस जांच में शामिल हों। वह अपने विद्यार्थियों को निम्न में से किन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें, तो किसके लिए। सबसे पहले देखो, अगर मैं चाहूंगी कि वो साक्ष्य आधारित, मतलब वो सामने से देखें जांच में, तो विभिन्न समूहों की साक्षरता दरों पर आंकड़ों और रिपोर्ट्स को मैं एकत्रित करूंगी। ठीक है, तो ये तो बात एकदम सही है, एकत्रित करके उनको दिखा सकते हैं, उनको साक्ष्य हम दिखा सकते हैं। इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी, देखो प्रश्न करने का आयोजन थोड़ी ना, हमको तो साक्ष्य दिखाना है। विभिन्न समुदायों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के प्रकारों और चित्रों को एकत्रित करो, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों पर आंकड़ों को प्रस्तुत करो। हाशियाकरण की बात हो रही है, ठीक है, तो हाशियाकरण में आप यही दिखाएंगे ना कि जो भी साक्षर दर है हमारा, लिटरेसी रेट है, उसके रिपोर्ट्स को दिखाएंगे, सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे। इससे आप भारत में हाशियाकरण दिखा सकते हो, क्योंकि कई बार नौकरी के वजह से भी लोग अपना जो जगह छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से ऐसे होंगे। तो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलो 141 भी हो गया, अब हम पहुंच गए 142 पे, देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 142 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में सबसे प्रचलित गलत अवधारणा क्या है, सबसे गलत चीज क्या है। देखो रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन तो अच्छी चीज़ है, हम तो बढ़ावा देते हैं ना इसको, क्रिएटिविटी को, हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ज़्यादा क्रिएटिव हो, बात एकदम सही है। यह तथ्यों से भरा है और रट कर लिखने की मांग करता है, जी नहीं, सामाजिक विज्ञान रट कर लिखने की मांग नहीं करता है। और आपसे गलत पूछा है, गलत वाला ही सही हो जाएगा, बाकी तो सब सही है ना, कि सामाजिक विद्वान और मानविकी के सभी विषयों के घटक है, कुशल रोजगार के रास्ते खोलता है, बट ये रटने वाली चीज़ गलत लिख दी इसने, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा ही है। चलो 143 पे, देखिए हम 150 के करीब पहुंच गए हैं और अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो नहीं, कम से कम 100 तो कराना ही है क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारा 143 है। देखिए इसमें पूछा है कि निर्धनता विषय पर परिचर्चा के दौरान, ठीक है, परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्न में से किसे संबोधित कर सकते हैं। निर्धनता की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है, तो एक जो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक टीचर है सामाजिक विज्ञान का, वो इसमें से किसे संबोधित करेगा। सबसे पहले समता एवं समानता के मामलों को, व्यक्तिगत भावनाओं के आग्रह को, दोनों बातें एकदम सही लिखी है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है,
क्योंकि देखिए जब भी आप निर्धनता के विषय पे परिचर्चा कर रहे हो ना, तो हमको दोनों को समानता देनी है, दोनों को देखना है, ठीक है, व्यक्तिगत भावनाओं को भी और समता और समानता को भी। चलिए 144। अब द्वितीयक स्रोत तो मैंने कई बार बताया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। द्वितीयक स्रोत के विषय में कौन सा कथन सही है, यह किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यित करता है। द्वितीयक स्रोत का मतलब कि प्रथम का मतलब कि मैंने कोई चीज खुद से लिख दी, वो मेरा प्रथम स्रोत है, बट उस चीज को किसी और ने लिख दिया, सुना दिया, तो वो क्या होगा, वो घटना ही तो हुआ ना। इससे वह सूचना मिलती है जिसका विश्लेषण, आलोचना और व्याख्या नहीं हुई है, ये बात गलत है। और ये प्रथम दृष्टा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो द्वितीय की बात कर रहे हैं, और ये मौलिक सूचना नहीं प्रदान करता है, ये केवल केवल द्वितीय स्रोत के बारे में किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यित करता है, ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। चलो 145 पे पहुंच गए हम। इसमें से आपको दोनों कथनों को देखना है और सही कथन का विचार करना है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए आपको बताना है कौन सी बातें सही लिखी हैं। विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक परियोजना पद्धति का प्रयोग कर सकता है। यस, हम इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए प्रोजेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं। परियोजना का आकलन परियोजना के पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए, जी नहीं, बच्चा जब बनाता है ना तो उस समय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम पूरा हो जा रहा है आप उसके बाद कर रहे हो, ये बात एकदम गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है बस। चलो अब हमारा 145 भी हो गया, हम 146 पे पहुंच गए हैं। शिक्षण प्रक्रिया के बीच होने वाले मूल्यांकन को समझा जा सकता है, किससे समझ सकते हो, एक ही तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो है वर्ड है, और वो है रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं रचनात्मक आकलन, बाकी तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेस्ट इन सभी में, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये रचनात्मक में आप हर दिन बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो ना। अब योगात्मक में तो आपने एक बार एग्जाम ले लिया, छमाही हो गया, या साल में एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, बट रचनात्मक को हर दिन कर रहे हो, इसलिए ये बेटर है। चलो 147, ये एक ऑप्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ रहा है। यहां पर देखिए, अब रचनात्मक आकलन तो पता ही चल गया आपको, अब तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इसकी क्वालिटी क्या है। देखो रचनात्मक आकलन की बेस्ट चीज क्या है ना, कि ये नैदानिक एवं उपचारात्मक है। मान लो मैं हर दिन मूल्यांकन करूंगी बच्चे का, हर दिन आकलन करूंगी, तो जो भी कमियां होंगी उसको सुधार भी दूंगी, तो ये तो हर दिन हो रहा है, नैदानिक मतलब उपचार भी हो रहा है, नैदानिक भी हो रहा है, बात एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद से आप देखो, यह प्रभावी और प्रतिपुष्टि के लिए, जी हाँ, ऐसे हम बच्चों को फीडबैक भी दे सकते हैं, बात एकदम सही है। यह विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की जानकारी, उनके माता पिता को, जी नहीं, हर दिन थोड़ी ना आप मम्मी पापा से उनकी शिकायत करोगे। और दूसरी बात, पेरेंट्स से शिकायत करनी अच्छी बात नहीं है, कोई कमी है तो आप उसको सुधारिए, तो सी तो खत्म हो गया। यह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर बनता है, जी हाँ, कि आज बच्चे ने कितना सीखा है उसका कल मैं आकलन कर सकती हूँ ना, कोई भी चीज़ वो मैं पढ़ाकर, तो ए बी डी दूसरा सही हो जाता है। चलिए देखो, एक घंटे होने वाले हैं और हमने अभी तक 60 क्वेश्चंस अब हमारे होने वाले हैं, आप सोचिए, तो मतलब एक क्वेश्चन पे एक मिनट ही लग रहा है। 148 देखिए आप, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा भी है इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें। 148 में देखिए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये आपको बताना है, और बस इतना ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, ये मत सोचना कि कहां गया और आप ऑप्शन, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन इन चारों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित परिस्थिति को पढ़ो तथा यह पहचानो कि किस विद्यार्थी की अधिकतम सहायता की आवश्यकता है, मतलब किसको ज्यादा जरूरत है। पहला लिखा है कि एक शिक्षिका नक्शों के बारे में पढ़ा चुकी है, मतलब मैप के बारे में, तथा विद्यार्थी निम्नलिखित स्तरों पे हैं। तो आप देखिए कि इन चारों में से किस विद्यार्थी को ज्यादा जरूरत है, किसको ज्यादा सहायता की जरूरत है। मैंने मैप पढ़ा दिया है, अब मैं देखूंगी कि कौन सा बच्चा किस स्तर पे है। पहला, अपने आसपास के वातावरण का सही प्रतीकों के साथ खाका जो है वो खींच पाती है, बात एकदम सही है। उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम और पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है। अपने गांव का मानचित्र पैमाने के साथ वो सही प्रतीकों के साथ बना पाती है। राजनैतिक मानचित्र को पढ़ने में सक्षम है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसमें तो सभी लग रहा है, तो देखिए अगर आप अपने आसपास के वातावरण का खाका खींच पा रहे हैं, अपने गांव का मानचित्र
ये आप सोचो पैमाने के साथ सही प्रतीकों के साथ बना पा रहे हो, राजनीतिक मानचित्र को आप पढ़ पा रहे हो, तो आपको अधिकतम सहायता की आवश्यकता नहीं है। अधिकतम मतलब इन आवश्यकता तो है, बट सबसे ज़्यादा किसको है, तो वो है उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम व पूर्व को अधिकतर बार सही बता पाती है। मतलब वो अभी तक बस दिशा में ही है, उसके बाद से वो कुछ अभी उसको तो बहुत सारी चीज़ें जाननी है, उसको पैमाना सिखाना है, उसको दिशाएँ बतानी है, मानचित्र बताना है कि कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये अभी तो इसने ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, डायरेक्शन पे है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 149 पे चलते हैं। देखिए 149 बहुत आसान है, ध्यान से देखो। एक समकालीन घटना पर छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा? कोई घटना है उस पर आप बच्चों के दृष्टिकोण को समझना चाह रहे हो, तो उचित तरीका क्या होगा? तो वो होता है वाद विवाद। इससे बेस्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। कहानी, प्रश्न, रोल प्ले, जी नहीं, बच्चों से आप क्वेश्चन करवाइए, डिबेट करवाइए, वाद विवाद करवाइए, आप बच्चों के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। तीसरा सही होगा। 150 हो गए हमारे 60 क्वेश्चन, अभी हमारा 60 मिनट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, इसमें लिखा है कि दिए गए परीक्षा प्रश्नों में कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए जगह बनाता है, जहां पर आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है, जहां पर आपको सोचना पड़ रहा है, ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रश्न है? सबसे पहले महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की व्याख्या करें, इसमें कौन सा जोर पड़ रहा है, ये तो जो पहले से लिखी है वही आपको बता देना है। सामाजिक बराबरी क्या होती है, उदाहरण दे दो, दो चार एग्जाम्पल तो आप दे ही देंगे, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा, ये दोबारा से वही आ गया, सूची बना दो। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करते हैं? इस क्वेश्चन से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या जो हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, क्या सच में उनको सामाजिक समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ है? तो आप सोचेंगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं, हर जगह जो है ऐसा नहीं है, बहुत जगह जो है महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता है, उनको सामाजिक जो है वैधानिक सुरक्षा देने के बाद भी उनको सामाजिक बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। तो यही है जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के आप बच्चों के बढ़ावा देगा, ऐसे प्रश्न आपको बच्चों से पूछने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है SST का पूरा 60 क्वेश्चन, ठीक है। अभी और करेंगे, आप लोग प्लीज़ अपना जो है मुझे स्कोर ज़रूर बताना। देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर है तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आपको बताना है जो दिल्ली के शासक हैं कब किस वर्ष में हुआ, ठीक है। तोमर चाहे चौहान है चाहे पृथ्वीराज चौहान, तो ये डेट आपको याद रखना है। अगर आपने ये ईयर ये जो नहीं याद रखा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम एलिमिनेट करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। तो आपको एक तो पता ही होना चाहिए, एक या दो पता होना चाहिए। तो तोमर जो है वो स्टार्ट हुआ था आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ए का तीसरा एलिमिनेट करते हैं, ए का पहला खत्म, ए का चौथा खत्म, ए का दूसरा खत्म। देखा आपने, एक दो याद करके ही आपका पूरा आंसर आ गया। ए का तीसरा सही है, अनंगपाल बी है, तो बी का हो गया चौथा हमारा 1130 से 1145, और सी का दूसरा हो जाएगा चौहान का 1165 से 1192, और पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा 1175 से 1192। तो ये आप याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि जो प्राचीन तमिलनाडु है में डैश की बस्तियों को उर कहते थे, किसकी बस्तियों को उर कहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखना, जो पीजेंट होते थे ना, जिसको हम खेतिहर या किसान बोलते हैं, इनकी बस्तियों को हम क्या कहते थे, उर कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कई बार पूछा हुआ है। चलिए फिर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारा, ये रहा 60, मिलान करने वाला है, ठीक है। चलो आप ये मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कि कब कौन से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, ये आपको बताना है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। फरुख सियार हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, तो हम एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फरुख सियार का देखते हैं, तो फरुख सियार का क्या हो जाएगा, 1713 से 1719, तो ए का हो जाएगा दूसरा। तो एलिमिनेट करो, ए का तीसरा खत्म, ए का चौथा, ए का पहला, तो ए का हमारा आ गया दूसरा।
तो ए का फरुख सियार का हो गया हमारा क्या हो जाएगा 1713 से 1719, और शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से 1816, अहमद शाह का 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि आप समझ लो, क्योंकि हिस्ट्री है और आप भी जानते हैं हिस्ट्री में सब खेल है याद करने का, जो जितना याद कर लेता उसका नंबर आ जाएगा। तो याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ, कॉपी में नोट कर लो, और कॉपी में नोट करने के बाद से बस हर दिन एक नज़र मारते जाओ, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तभी जाकर आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा 61, उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? क्या होता है उत्तराधिकार की सहदायाद? इसका मतलब होता है कि डिवीजन कर देते हैं ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स, इसका मतलब होता है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, यही एक मतलब ही होता है, बाकी और सारी चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको याद है कि सहदायाद किसे कहते हैं, कि जितने भी हमारे पुत्र हैं उन सभी के बीच में हम क्या करेंगे, विरासत का विभाजन कर देंगे, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 62, ये भी क्वेश्चन कई बहुत बार पूछा हुआ है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत आसान है, अभंग। जो भी मराठी में लिखे भक्ति गीत हैं हम उनको किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं उनको अभंग नाम से, ठीक है, चौथा इसमें सही हो जाएगा। अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 63, देखिए इसमें लिखा है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्न कथनों को पढ़ो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। ए और बी पढ़िए, और याद रखना महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ के संत की। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो इन दोनों में से आप बताइए क्या बातें सही हैं? तो दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं, और जिसने भी एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से फॉलो किया होगा वो तो तुरंत लगा देगा, ए और बी दोनों सही हैं, सब रटने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 64, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। बक्सी को हम क्या कहते हैं? सैनिक वेतनाधिकारी, बात एकदम सही लिखा है। सद्र को हम क्या कहते हैं? धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, ये भी बात हमारा सही है, ठीक है, ए बी होना चाहिए। उसके बाद इक्तादार को लिखा है सैन्य कमांडर, ये बात गलत है, इक्तादार को हम सैन्य कमांडर नहीं बोलते हैं। और कोतवाल को हम क्या बोलते हैं? नगर का पुलिस अधिकारी। तो हमारा राइट है ए बी एंड डी, 4 ऑप्शन इज राइट। चलिए ये रहा हमारा 65, देखिए 65 में क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था? मध्य प्रदेश में आप घुमंतु खेती के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कहते थे बेवड़। क्या कहते थे? बेवड़। तो जब भी पूछे घुमंतु खेती के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे मध्य प्रदेश में, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, बेवड़। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा 66, देखिए 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दोनों कथन को पढ़ो और बताओ क्या सही है। 19वीं सदी की बात हो रही है, सामाजिक परिवर्तन। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदला दिखाई देता है। जी हाँ, बात एकदम सही लिखा है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएँ और पर्चे छपना का विकास हो रहा था। ये भी बात सही है, तो बात भी सही है और व्याख्या भी सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो देखिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको कंटेंट आपने पढ़ा है तो आपसे सब कुछ आसानी से हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश वाला भी देख लो, 67, देखिए 67 में चलते हैं और दोनों कथन पढ़ना है।
कथा नहीं लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। जी हाँ, आपको पता है कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, वो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। बात एकदम सही लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी बात सही है, बट ये इसका रीजन सही नहीं दिया है ना कि जातिगत पक्षपात झेला था। इसके बारे में कि उनके पिता जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये कोई रीजन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, ठीक है, कि उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है, दूसरा राइट है। चलिए फिर से कथन वाले क्वेश्चन तो एसएसटी में आपको बहुत देखने को मिलेगा, बहुत। चलिए दोनों कथन को पढ़ो और बताओ सही क्या लिखा है। पहला लिखा है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, और ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं कि इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, बात सही लिखा है। उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। दोनों बातें 100% सही है, रीजन एकदम सही लिखा है, तो ए और आर दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए 69, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, किसने विरोध किया था, तो वो किया था मौलाना आजाद ने। रट लो क्योंकि ये इस बार भी आएगा। इन्होंने ही क्या किया था, दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, किसने, मौलाना आजाद ने। चलिए अभी हमारा 70, 1857 के विद्रोह, 57 के विद्रोह से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। लिखा है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला लिखा है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा लिखा है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो कौन सी बातें सही लिखी हैं 1857 के बारे में, इंग्लिश भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें केवल एक लाइन सही लिखी है और वो है दूसरा, कि 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, गलत है, और ना ही इसमें सिपाही और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। सेम एक चीज़ है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन था, तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो बस एक लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं कि मैं भी हर दिन क्लास लूँ, ठीक है। तो चलिए 71 देख रहे हैं आप कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए फिर से, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीटेट भी पेपर को टफ बना रहा है अब पहले के कंपेयर में। देखो क्या लिखा है, ए और बी कथन पढ़ो और सहायक संधि के संदर्भ में विचार करो और बताओ कौन सा बात सही लिखा हुआ है। पहला लिखा है कि भारतीय सहायक संधि के बारे में, ठीक है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, गलत, एकदम से काट देना, अनुमति थी ही नहीं, ये बोला अनुमति थी। और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, बी सही है। तो क्या होगा हमारा, ए गलत है, कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ये रहा, ए गलत है लेकिन हमारा बी जो है वो सही है। चलिए 72 फिर से कॉलम वाले क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है ये, ठीक है, सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे ग्रह दिया है, यहाँ पर अपने अक्ष पर घूर्णन का समय है, यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट, नेपच्यून का 16 घंटे 7 मिनट, शनि का 25 घंटे 40 मिनट, मंगल का 9 घंटे 56 मिनट। तो इसमें आपका केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है और वो है हमारा नेपच्यून, 16 घंटे 7 मिनट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रटने वाला दे दिया है, ऐसे एक दो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो परेशान मत हो, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे घंटे वाले कौन इतना याद रखेगा, तो इसमें केवल एक ही सुमेलित है और वो है हमारा दूसरा। चलिए 73 देखिए इसमें क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, जी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना ये केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, बात एकदम सही लिखा है, और ये जलीय व स्थलीय दोनों से नहीं गुजरती है और ना ही ये 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। केवल एक चीज सही लिखा है और वो है हमारा दूसरा, केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है।
चलिए फिर से एजर्शन रीजन देखिए, लिखा हुआ है कि दो कथन को पढ़ो। ए में लिखा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। जी हाँ, सही लिखा है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये भी बात सही है। बट आप देखिए ना, यहाँ पे ध्रुव के तारे का कोण की बात हो रही थी और यहाँ पर इन्होंने वृत्त के चारों ओर की बात कर दी। स्टेटमेंट सही है बट जो ए है ना, इसका कारण सही नहीं लिखा है, इसके संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है। बाकी स्टेटमेंट दोनों सही हैं तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अब ये है हमारा क्वेश्चन 75। जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो इतने की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है। इसका लगभग क्वेश्चन होगा लगभग 4 घंटे गवाएंगे। और ये कैसे करेंगे इसकी एक जो है आपको फॉर्मूला मैं बता दूंगी बहुत जल्द, वो सारे एक ही में रखेंगे तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बहुत से क्वेश्चन को लोग स्किप कर देते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, आप पैडागॉजी और कॉन्टेंट का दूसरा करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ही बस पूछा है, 1 नंबर का आता है, ठीक है। दूसरा सही है बट फिर भी मैं तो आपको बताऊंगी ही कि कैसे करना है। चलो 76 लिखा है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या हैं, कौन कौन से इसके खनिज हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि महासागरीय पर्पटी के केवल 2 ही इसमें खनिज हैं, एक आपका मैग्नीशियम है और एक आपका सिलिका है, केवल ए और सी तीसरा सही हो जाएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए, आपके मतलब पता होना चाहिए आपको कि महासागरीय पर्पटी में केवल मैग्नीशियम और सिलिका यही मुख्य खनिज है, बाकी आपका ये एलुमिना निकिल ये नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए 77 और गर्मी तो काफी पड़ रही होगी आपके यहाँ पे भी बट आप पढ़ाई करते रहो क्योंकि गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो आपके गर्मी में ही है ना, 20 अगस्त को कौन सी ठंडी होगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहां उसे बांज, एस, बीज के पेड़ तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले, उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा जाता है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में किस टाइप की चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन है, यहीं पर आपको बांज, एस, बीज के पेड़, फीजेड, मोनाल पक्षी मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस बार बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।